क्या डिस्कस कर रहे थे मैं लास्ट टाइम? इंटरफेरेंस पैटर्न है ना, स्पेस में इंटरफेरेंस पैटर्न कैसी आती है ना, और वहाँ पे अगर स्क्रीन रख देंगे तो उस पर कैसी दिखेगी, ठीक है? तो कल समझ में नहीं आ रहा था, कल जो बोला था मैं फिर से पूरा बोलता हूँ ना, रिपीट करता हूँ। देखो मान लो अभी टू डायमेंशन में मान लेते हैं ना, अब ध्यान से सुनो, इसके बाद फिर से रिपीट नहीं करने वाला है ना, और तुम ध्यान रखो थोड़ा ना, ये हंसा वसा मत करो क्लास में, कॉन्सेंट्रेट करो, है ना। एस वन है, एस टू है, दो पॉइंट्स मान लेते हैं, ये दोनों सोर्सेज हैं। मान लो टू डायमेंशनल वर्ल्ड है, पूरा का पूरा वर्ल्ड हमारा यहीं पर है इस बोर्ड पर, ठीक है? अब मैं ऐसे पॉइंट, मैं मान लो ब्राइट को ढूंढ रहा हूँ ना, ब्राइट कहाँ कहाँ मिलेगा मुझे, तो मुझे पता है ब्राइट होने के लिए, मैक्सिमा होने के लिए डेलेक्स क्या होता चाहिए हमारा, पाथ डिफरेंस एन लेमडा, वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल। तो पहले तो वो पॉइंट ढूंढते हैं जहाँ पर हमारा डेलेक्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है? तो हमको पता है यार, ये परपेंडिकुलर वाई सेक्टर पर अगर कोई भी पॉइंट ले लूँगा मैं, जो एस वन एस टू को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके परपेंडिकुलर वाई सेक्टर पे कोई भी पॉइंट लूँगा, डेफिनेशन ही है परपेंडिकुलर वाई सेक्टर की, तो है ना, क्या यहाँ पे क्या होगा, डेलेक्स जीरो, किसी भी पॉइंट पे यहाँ पर डेलेक्स जीरो होगा। तो मतलब इनका जो परपेंडिकुलर वाई सेक्टर है वहाँ पे तो तुम्हें हमेशा ब्राइट मिलने वाला है, ब्राइट मिलेगा ना, मतलब इधर पे हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ये दिखेगा नहीं तुम्हें स्पेस में, क्योंकि दिखती तो कोई चीज़ तब है जब फोटोन टकरा के हमारी आंखों में वापस आता है, ये तुम्हें दिखेगा नहीं स्पेस में, है ना। अगर वहाँ पे तुम कोई गैस वगैरह छोड़ दो, इस तरह की सर्टेन गैसेस होती है जिनसे टकरा के स्केटर होकर हमारी आई में आने लगे, तो फिर तुम्हें 3D स्पेस में पैटर्न दिख सकती है, तरीके होते हैं वो, है ना। पर ऐसे वैक्यूम में तुम्हें कोई पैटर्न नहीं दिखेगी जब तक तुम स्क्रीन नहीं रखोगे, पर हमें पता है वहाँ पर बन रही है स्पेस में, ये पैटर्न बन रही है हमको पता है, ठीक है। अब मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ जहाँ पर डेलेक्स लेमडा हो जाए, तो हम मान लेते भाई हम मुझे ऐसे पी पॉइंट्स ढूंढने हैं सारे के सारे, सच दैट डेलेक्स क्या होता है तुम्हारा, डेलेक्स होता है अपना एस टू पी माइनस एस वन पी, मतलब पी पॉइंट का जो पाथ डिफरेंस है इन दोनों से वो किसके बराबर हो जाए, लेमडा के बराबर हो जाए। मान लो मैं ऐसा ढूंढ रहा हूँ, तो बाई डेफिनेशन हमको पता है, मैथ्स की डेफिनेशन से पता है कि ये किस चीज़ की डेफिनेशन होती है, किसी भी पॉइंट का अगर दो फिक्स्ड पॉइंट से पाथ डिफरेंस कॉन्स्टेंट हो तो वो पॉइंट्स, वो सारे के सारे पी पॉइंट्स कहाँ पे लाई करेंगे, हाइपरबोला पे। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला। तो हमको पता चला भाई ये हाइपरबोला पे लाई करेगा, तो हमें यहाँ पे इस हाइपरबोला पे जितने भी पॉइंट्स हैं, हाइपरबोला ही है ना, इस हाइपरबोला पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे भी मैक्सिमा होंगे, क्योंकि उन सभी पे डेलेक्स कितना आ रहा है तुम्हारा, लैम्डा। सिमिलरली एक नीचे भी आएगा तुम्हारा कुछ ऐसा, यहाँ पे डेलेक्स क्या हो जाएगा, माइनस लैम्डा। फिर और भी ऐसे आते जाएंगे, यहाँ पे डेलेक्स कितना हो जाएगा, टू लैम्डा, फिर ऐसा और आ रहा होगा थ्री लैम्डा, बहुत सारे आ रहे होंगे ना, डेलेक्स इक्वल टू माइनस टू लैम्डा। देखो पहले ये क्लियर है क्या, ये जो मैंने बनाया, फिर हम आगे का डिस्कशन करेंगे। इसको कल बना लिया था क्या, नहीं बनाया था, बना लिया तो अच्छी बात है, पर अगर इसमें कोई डाउट है पहले टू डायमेंशनल में तो मुझसे पूछो, फिर हम 3D में जाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, अगर इसमें समझ में नहीं आया कुछ तो पूछो, आ गया यहाँ पे सब समझ में आ गया ना, ठीक है। चलो अब हमें 3D वर्ल्ड में एंटर करना है, तो दो तरीके से कर सकता हूँ 3D वर्ल्ड में ना, या तो S1 S2 में दो स्लिट्स ले सकता हूँ, या फिर दो पॉइंट सोर्सेस ले सकता हूँ। तो मैं इन दोनों केसेस को अलग अलग डिस्कस करूँगा, पहले मैं केस 1 डिस्कस करता हूँ जो कि आसान है, कि ये दोनों क्या है, दो स्लिट्स हैं, S1 एंड S2 आर टू स्लिट्स। स्लिट्स और पॉइंट सोर्सेज में फर्क समझ रहे हो, स्लिट मतलब लाइन सोर्स हो गया, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, पॉइंट सोर्स मतलब स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्लिट्स मतलब क्या है, लाइन सोर्स, और वेव फ्रंट कैसे होंगे तुम्हारे, सिलिंड्रिकल, मतलब एक सोर्स के कारण वेव फ्रंट सिलिंड्रिकल होंगे, फिर वो दोनों इंटरफियर करके क्या पैटर्न बनेगी वो एक अलग चीज है। इसके भी वेव फ्रंट कैसे होंगे, सिलिंड्रिकल, इसके भी कैसे होंगे, सिलिंड्रिकल, और वो दो सिलिंड्रिकल इंटरफियर कर रहे होंगे अब, तो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट्स हैं। अब इस केस को हमें डिस्कस करना है ना, तो ये तो सबसे आसान केस है, इसमें समझने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। जैसे ये एक है ना, ये अभी एक लाइन है, इसको मगर ऐसे बाहर कर दूं तो ये क्या ट्रावर्स कर रहा है,
एक रेक्टेंगल ट्रावर्स कर रहा है ना ये, तो ये डिस्क नहीं थी, हाँ ये ना डिस्क, ये भी डिस्क है। इसको अगर ऐसे मैं 3D में आगे पीछे करूँ बिल्कुल प्लेनर, तो ये सिलेंडर कर रहा है, ये समझ में आ रहा है? बस इतना समझ में आना चाहिए, ठीक है, ये सिलेंडर कर रहा है। अब इसको मैं ऐसे उठा के आगे पीछे कर दूँ, इस पूरी लाइन को सोचो, इमेजिन करो, तो वो 3D में क्या बनेगा? हाइपरबोलिक सरफेस बनेगा, है ना? बता तुम्हारी कॉपी बता कोई भी एक ऐसा कोई सरफेस जिनको, या ऐसा कोई सरफेस है ना 3D में, मान लो ये हाइपरबोला है, तो 3D में देखो तो ऐसा दिखेगा, तुम आगे पीछे ऊपर नीचे हो गए तो ऐसा सरफेस दिखेगा, सरफेस है ही है ना, एग्जैक्टली जैसी कॉपी दिख रही है तुम्हें, तुम इसको घुमा फिरा के देखोगे ये बिल्कुल ऐसी बन रही है पैटर्न, मतलब सब कुछ है यहाँ पे, ये सब है, पूरा ऐसा सरफेस बन रहा है, क्लियर है क्या? इसको हम बोलते हैं हाइपरबोलिक सरफेस। 2D में ये जो लाइन है, सिर्फ एक लाइन बना दे ऐसे, है ना, 2D में ये कर्व कहलाती है ना, पर ये जो पूरा सरफेस है इसको हम सरफेस बोलते हैं, क्लियर हो रहा है क्या? तो इंटरफेरेंस पैटर्न ऐसी बन रही है हमारी, हाइपरबोलिक सरफेस, ऐसे बहुत सारे बन रहे हैं, जैसे Δx=0 ऐसा बन रहा है, रेक्टेंगुलर बन गया, Δx=0 तो रेक्टेंगुलर सरफेस है, ये हाइपरबोलिक सरफेस, Δx=λ, Δx=2λ, कुछ ऐसा बनेगा, 3λ, फिर कुछ बन रहे होंगे इस तरह से, ये क्लियर है? ठीक है, तो लिखो फिर, अभी लिखो, ये लिख लो K1, S1, S2 और 2 स्लिट्स, फिर इसमें मैं लिखवाता हूँ तुम्हें, ऑल द पॉइंट्स P हैविंग कॉन्स्टेंट पाथ डिफरेंस फ्रॉम 2 फिक्स्ड पॉइंट्स S1 एंड S2 लाई ऑन ए हाइपरबोला, ब्रैकेट में इन 2D, ब्रैकेट में लिख लो इन 2D, 2D, अभी मैंने सिर्फ 2D की बात करी है ना, एक तरह से हाइपरबोला की डेफिनेशन फिर से लिखवाई है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला, ये क्लियर? अब आगे लिखो नेक्स्ट पैराग्राफ से, इफ S1 एंड S2 आर 2 स्लिट्स, वी हैव कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल सच पॉइंट्स, हेंस द इंटरफेरेंस पैटर्न इन स्पेस इज हाइपरबोलिक सरफेस। मतलब क्या कहना चाह रहा है, जब दो पॉइंट थे 2D में ना, S1 और S2 दो पॉइंट थे, तो हमें हाइपरबोला मिल रहा था, अब ऐसे स्लिट मतलब क्या है, ऐसे S1 जैसे ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स रख दो ऐसे बाहर निकाल के, S2 जैसे भी बहुत सारे पॉइंट रख दो, तो ऐसी बहुत सारी पैटर्न हर जगह आती जाएंगी, उनके कारण उन सबका कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, हाइपरबोलिक सरफेस, ये क्लियर है क्या? ठीक है, अब इसको दिमाग में 3D में सोचो कि ऐसे बहुत सारे हाइपरबोलिक सरफेस बन रहे हैं अब, है ना, मतलब एक ही के बारे में सोचो, जो एक ऐसा हाइपरबोलिक सरफेस बन रहा है, सरफेस सोचना है पर कर्व नहीं सोचना है 3D में। अब मुझे स्क्रीन रखनी है ना, कोई एक आध तो अपनी कॉपी दे दो ना, जिस पे लिख नहीं रहा हो, रखी होगी ना मैथ्स केमिस्ट्री वगैरह की, हाँ ये, अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये तो स्पेस में बन रही है तो मेरे को दिख नहीं रहा है, पर हमको मैथमेटिक्स आती है तो हमने भी प्रेडिक्ट कर लिया ऐसी बन रही है अभी, है ना, अब देखना है मुझे अगर मान लो पैटर्न, तो मुझे कोई स्क्रीन रखनी पड़ेगी किसी चीज़ पे, जब वो लाइट टकराएगी और वापस मेरी आंखों में आएगी तभी तो मुझे दिखेगी, तो अब स्क्रीन को मैं कहीं भी कैसे भी रख सकता हूँ, मेरी मर्जी है, समझ रहे हो? यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न इस तरीके की हैं, इमेजिन करो 3D में, एक ऐसी है, ऐसे बन रही है बहुत सारी। अब मुझे स्क्रीन रखनी है, स्क्रीन मान लो अगर मैं अपनी स्क्रीन ऐसे रख दूँ, मतलब S1 S2 स्लिट्स इस तरह से है ना, स्लिट्स के परपेंडिकुलर अगर मैं अपनी स्क्रीन रख दूं, तो बताओ इस स्क्रीन पे जो मुझे इंटरफेरेंस पैटर्न दिखेगी वो कैसी दिखेंगी, फ्रिंजेस कैसी दिखेंगी, मुझे स्ट्रेट लाइन दिखेंगी, सर्कुलर, हाइपरबोला या फिर कुछ और? हाइपरबोला दिखेंगी, बिल्कुल एग्जैक्टली हाइपरबोला दिखेंगी, क्योंकि तुम क्या कर रहे हो उनको बिल्कुल इसी तरीके से तो कट कर रहे हो, हाइपरबोला ये कैसे हाइपरबोलिक सरफेस है, इसको इस तरीके से काटोगे तो क्या मिलेगा, हाइपरबोला ही मिलेगा तुम्हें, समझ में आ गया क्या? तो सिलिट्स के परपेंडिकुलर स्क्रीन रखूंगा तो मुझे हाइपरबोला मिलेगी, फ्रिंजेस स्क्रीन पे तुम फ्रिंजेस देखते हो, तो इस बार तुम्हें स्ट्रेट नहीं दिख रही होंगी फ्रिंजेस, हाइपरबोला के टर्म्स में दिख रहे होंगे, कुछ ब्राइट हाइपरबोलास दिख रहे होंगे, फिर कुछ डार्क हाइपरबोलास दिख रहे होंगे, जैसे ये ब्राइट है, इनके बीच में कुछ डार्क होगा। चलो अब हम स्क्रीन, जरूरी थोड़ी ना कि सिलिट्स के परपेंडिकुलर रखें, कैसे भी रख सकते हैं, मान लो मैं अपनी स्क्रीन इस तरह से रख दूँ, अब बताओ कैसी दिखेगी मुझे पैटर्न, स्ट्रेट लाइन, सोच पा रहे हो, है ना, ये देखो ना ये है तुम्हारा हाइपरबोलिक, इसको ऐसे काटो, अरे तो स्ट्रेट लाइन ही तो आ रही है,
ऐसे काट रहे हो ना हाइपरबोलिक सरफेस को, तो अगर स्क्रीन को यहाँ पे रखूंगा मतलब स्लिट्स के पैरेलल रखा ही है ना, एक स्लिट ऐसी है दूसरी स्लिट ऐसी है, उन दोनों स्लिट्स के अगर पैरेलल में स्क्रीन रख रहा हूँ तो मुझे इंटरफेरेंस पैटर्न कैसी मिल रही है, स्ट्रेट लाइन। और ये हमको मिलती थी, अभी हमने जो स्टडी करा वो यही केस तो स्टडी करा था, दो स्लिट्स होती थी, हमने अभी तक स्क्रीन हमेशा दो स्लिट्स के पैरेलल रखी थी, अभी तक जितना भी YDSE में डिस्कशन करा है दो स्लिट्स के पैरेलल रखते थे और हमको स्ट्रेट लाइन मिलती थी। ठीक है, ये आ गया क्या समझ में? अब सोचो अगर मैं अपनी स्क्रीन ऐसे रख दूँ, अभी तक ऐसे नहीं रखी थी, अब क्या मिलेगा? अब स्क्रीन ठीक है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल छोड़ो, कैसी स्ट्रेट लाइन, ऐसी स्ट्रेट लाइन बोल रहे हो या ऐसी बोल रहे हो? इस तरह से ऐसे, हाँ ऐसी स्ट्रेट लाइन्स मिलेंगे ना, सोचो ना, अगेन देख लो, ये तुम्हारा हाइपरबोलिक सरफेस है, इसको इस तरह से कट करोगे, अगेन स्ट्रेट लाइन्स ही मिल रही हैं तुमको, समझ में आ रहा है? ठीक है, पर यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन्स मिलेंगी उसमें तुम्हें डेल एक्स जीरो वाला पॉइंट कभी नहीं मिलेगा, समझ में आ रहा है? डेल एक्स टू लेमडा वाला पास में मिलेगा, मतलब जितने इस सेंटर के पास में होंगे उतने ज़्यादा लेमडा वाले मिलेंगे और डेल एक्स लेमडा वाला सबसे दूर होगा। ठीक है, इस तरह की मिलेगी पैटर्न। वर्टिकल का क्या मतलब? वर्टिकल तो ऐसे बोलते हैं यार, स्क्रीन कैसी रखनी है बताओ, ऐसे? हाँ, कौन सी लाइंस? नहीं लाइंस मतलब ऐसे, देखो मैं बता रहा हूँ इस स्क्रीन को मैं ऐसा करके दिखा रहा हूँ कैसी दिख रही होगी। डेल एक्स लैम्डा वाली एक ब्राइट यहाँ पे आ गई, डेल एक्स लैम्डा वाली एक ब्राइट यहाँ पे आएगी, ये समझ रहे हो? क्योंकि दो जगह काट रहा है वो, नहीं स्ट्रेट ही होंगी बिल्कुल, सोचो ना तुम्हारा सरफेस ऐसा है, तुम ऐसे काट रहे हो तो कहाँ पैरेलल लाइंस ही तो आएंगी, जो डेल एक्स लैम्डा के कारण दो लाइन आ रही होंगी ना वो दोनों पैरेलल होंगी आपस में, कहीं मर्ज नहीं हो रही होंगी, पक्का समझ गए? तो डेल एक्स लैम्डा वाली एक लाइन यहाँ पे, डेल एक्स लैम्डा वाली एक लाइन यहाँ पे, ये पैरेलल है, फिर डेल एक्स टू लैम्डा वाली कुछ ऐसी आ जाएंगी, डेल एक्स थ्री लैम्डा वाली कुछ ऐसी, फिर बिल्कुल धीरे धीरे पास होती जाएंगी, फिर इतने से स्पेस में तुम्हें इन्फाइनाइट लाइन्स दिख रही होंगी। ठीक रही, समझ गए? यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा तुम्हारा सबसे ब्राइट होता था, हाँ देखो इंटेंसिटी तो सीधा डिपेंड करेगा, यहाँ पे इंटेंसिटी दो तरीके से होती है, एक इंटेंसिटी तो डिस्टेंस के कारण कम हो रही होती है क्योंकि सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट है तो 1/r से कम हो रही है, उसको हम इग्नोर मारते हैं। ठीक है, और दूसरा इंटेंसिटी का इन दोनों का इंटरफेरेंस हो रहा है, उस कारण एक इंटेंसिटी की पैटर्न आ रही है, तो इंटरफेरेंस के कारण तो भाई चाहे डेल एक्स लैम्डा हो, चाहे डेल एक्स टू लैम्डा हो, चाहे डेल एक्स थ्री लैम्डा हो, हर जगह बराबर आएगी 4i0। और अब तुम्हें देखना है कि भाई ये वाला फैक्टर भी तुम्हें कंसीडर करना है 1/r वाला, तो 1/r वाला इसके लिए भी लग रहा होगा, इसके लिए भी लग रहा होगा, दोनों का डिस्टेंस तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा है वो, समझे? तो इतना आसान एनालिसिस नहीं है वो डिपेंड करेगा इनका डिस्टेंस कितना है, तुमने स्क्रीन कितने डिस्टेंस पर रखी, कई चीज़ों पर डिपेंड करेगा वो। ये क्लियर है ना? तो लिखो, इफ द स्क्रीन इज केप्ट पैरेलल टू द स्लिट्स, यहाँ पे मैं ये भी बना देता हूँ ताकि तुम फ्यूचर में जब इसको रिवाइज करो तो समझ पाओ, एक्स वाई जेड ऐसे बना देना एक्सिस। तो पैरेलल मतलब कौन से दो प्लेन हो गए? वैसे तो इन्फाइनाइट है पैरेलल प्लेन, तुम जब भी पैरेलल रखोगे तुम्हें स्ट्रेट लाइन्स मिलेंगी, यहाँ पे पैरेलल मतलब कौन कौन से हो गए लिखो एग्जाम्पल के लिए, ब्रैकेट में लिखो फॉर एग्जाम्पल वाई जेड कॉमा एक्स जेड, ये तुम्हारे पैरेलल है, स्लिट्स के पैरेलल नहीं ये दोनों प्लेन्स। सो देखो, इफ द स्क्रीन इज केप्ट पैरेलल टू स्लिट्स, ब्रैकेट में फॉर एग्जाम्पल वाई जेड प्लेन कॉमा एक्स जेड प्लेन, ब्रैकेट क्लोज, इफ द स्क्रीन इज केप्ट पैरेलल टू द स्लिट्स, इंटरफेरेंस पैटर्न इज स्ट्रेट लाइंस। क्या आया समझ में? दिख रहा है स्लिट्स तुम्हारी ऐसी हैं, एक स्लिट ऐसी है, दूसरी स्लिट ऐसी है, अगर ये तुम्हारा वाई जेड प्लेन हो गया, यहाँ पर भी पैरेलल है ये प्लेन, ये वाला प्लेन भी पैरेलल है, इंडीड ये वाले प्लेन पे भी स्ट्रेट लाइन आएगी, इन्फाइनाइट प्लेन से ऐसे कोई भी ऐसा प्लेन तुम मूव करोगे हर एक प्लेन पे स्ट्रेट लाइन आ रही होगी। चलो आ रही क्या समझ में आ रहा है आज? अगला लिखो है ना, इफ द स्क्रीन इज केप्ट परपेंडिकुलर टू द स्लिट्स, इंटरफेरेंस एग्जाम्पल के लिए कौन सा प्लेन हो गया? एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन है ना, फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई प्लेन, इफ द स्क्रीन इज केप्ट परपेंडिकुलर टू द स्लिट्स,
इंटरफेरेंस पैटर्न इज हाइपरबोला। हाँ बताओ। देखो यहाँ पे रखूँगा तो स्ट्रेट लाइन आएगी, यहाँ पे रखूँगा तो स्ट्रेट लाइन आएगी। इंडीड में ऐसे कहीं पर भी रखूँ, इधर भी स्ट्रेट लाइन आएगी, यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर भी, हर जगह स्ट्रेट लाइन आएगी, ये बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर हाइपरबोला आएगा, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन आएगी। अब ऐसा कुछ कर दोगे तो उन दोनों का कुछ कॉम्बिनेशन आ रहा होगा कॉम्प्लिकेटेड सा, मेरे ब्रेन के लिए तो वो बाहर के है, मैं इमेजिन भी नहीं कर पाऊँगा उसको, मतलब वो बना के देखना पड़ेगा, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता वो पैटर्न कैसी होगी, ठीक है। पर ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड सोचना भी नहीं है ना, इसके लिए हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, या फिर असलियत में एक्सपेरिमेंट कर लेंगे, ठीक है। फिर इसको ख़त्म करें, तुम्हारा क्लियर है, कुछ और पूछना है? ठीक है, तो अब ले लेते हैं, मान लेते हैं S1 S2 हमारे क्या हैं, पॉइंट सोर्सेस मान लेते हैं, K2। If S1 and S2 are two point sources, तो दो point sources के कारण है ना, तो जब point sources होता है तो 3D में wave fronts कैसे होते हैं, spherical, और 2D में circular, पानी में पत्थर फेंको है ना, पानी में कभी ऐसा कुछ बड़ा सा object फेंक के देखना ना, तो फिर वो rectangular सा कुछ बन रहा होगा। हाँ, तो wave fronts कैसे होंगे हमारे, east source के कारण spherical wave fronts होंगे, और अब फिर ये स्फेरिकल वेव फ्रंट्स इंटरफियर कर रहे हैं, याद रखना वेव फ्रंट्स हाइपरबोलिक नहीं है, उस केस में सिलिंड्रिकल थे वेव फ्रंट्स, इस केस में स्फेरिकल हैं, जो हाइपरबोलिक है वो इंटरफेरेंस पैटर्न है, उन दो जो वो दो वेव फ्रंट जब इंटरफियर कर रहे हैं, वेव फ्रंट्स स्फेरिकल वेव फ्रंट्स है ना। तो चलो दो सोर्स मान लेते हैं S1 S2, अब बताओ इंटरफेरेंस पैटर्न कैसी आएगी 3D स्पेस में, हाइपर बोलोइड है ना। तो अब मैं समझाऊँ ना, ये लाइन है, इसको ऐसे घुमा देंगे तो ये क्या, कैसा सरफेस, सर्किल नहीं, डिस्क, डिस्क को ट्रावर्स कर रही है ना, ठीक है। ये लो ये कॉपी, इसको ऐसे घुमा देंगे, सिलेंडर ट्रावर्स कर रही है ना, और ऐसे घुमा देंगे तो डिस्क। चलो और क्या भैया, कहाँ गया वो, ये देखो है ना, इसको ऐसे ट्रावर्स करते तो क्या बनाता है, सिलेंडर, और इसको ऐसे घुमा देते तो स्फीयर है ना, सॉलिड स्फीयर तुम्हारा, ये समझ में आ रहा है। तो 2D में अपनी पैटर्न कैसी आती थी भाई, हाइपरबोला आ रही है, अब ये लाइन सोर्सेस नहीं है कि इधर भी है, अब सोचो ऐसे हाइपरबोला, देखो यहाँ पे तो अगर तुम दो पॉइंट सोर्स असलियत में रख दोगे तो तुम ये क्यों बोल रहे हो कि हाइपरबोला ऐसा आएगा, हाइपरबोला ऐसा भी आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है, हर डायरेक्शन में आ सकता है ना 3D में, इनफैक्ट हर जगह आई गई वो, और उससे जो बनेगा उसको हम हाइपरबोलॉइड बोलेंगे, मतलब एक जो ऐसा हाइपरबोला है, एक जो तुम कर्व सोच रहे हो उसको इस एक्सिस का वोट इस तरह से घुमा दो तो हाइपरबोलॉइड बन जाएगा, कटोरी जैसा शेप कुछ, ठीक है। मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ, बाकी 3D डायग्राम मेरे से बनते नहीं है, कुछ ऐसा ऐसा दिख रहा होगा यार, ऐसा कटोरी है ना, वो ऐसी कटोरी, समझ में आ रहा है, ये मान लो डेल एक्स इक्वल टू लैम्डा वाला दिखा रहा हूँ मैं, और फिर ऐसे ही डेल एक्स इक्वल टू माइनस लैम्डा वाला भी एक नीचे आ रहा होगा, और डेल एक्स इक्वल टू जीरो वाला क्या होगा, स्ट्रेट लाइन एक कर्व है, मैं सरफेस की बात कर रहा हूँ, रेक्टेंगुलर सरफेस ना, डेल एक्स इक्वल टू जीरो वाला तो रेक्टेंगुलर सरफेस होगा। चलो ठीक है, अब इस तरह के है ना, ऐसे बहुत सारी कटोरी आ रही होंगी, डेल एक्स इक्वल टू लैम्डा वाली, डेल एक्स इक्वल टू टू लैम्डा वाली, थोड़ी सी समझ रहे हो, गिलास जैसे शेप की होगी, फिर कम होता जाएगा वो सब, चलो काफ़ी है, ये हाइपरबोलॉइड समझ में आ गया, तो लिखो पहले इंटरफेरेंस पैटर्न, मैथ्स की तरह सोचो यार, ये दो पॉइंट हैं भाई, अब मुझे ऐसे ऐसा पॉइंट चाहिए जो इक्विडिस्टेंस हो इन दोनों पॉइंट से, ये मान लो S1 है, ये S2 है, अब मुझे ऐसा P पॉइंट चाहिए जो इक्विडिस्टेंट हो, तो 2D में तो वो क्या आता था तुम्हारा, परपेंडिकुलर बाईसेक्टर, अब 3D जब मैंने तो पूरा 3D स्पेस तुम्हारे लिए खोल दिया, तो वो परपेंडिकुलर बाईसेक्टर ऐसा भी हो सकता है, 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 तो एक्चुअली उन सबको मिलकर जो बन रहा होगा एक, वो क्या बनेगा, एक सरफेस बन जाएगा तुम्हारा, उस सरफेस पे तुम कोई भी पॉइंट लोगे वो इक्विडिस्टेंट होगा, इतना तो यार खुद से सोचना आना चाहिए भाई,
इंटरफेरेंस पैटर्न ड्यू टू टू पॉइंट सोर्सेस, इंटरफेरेंस पैटर्न ड्यू टू टू पॉइंट सोर्सेस इन स्पेस इज, इंटरफेरेंस पैटर्न ड्यू टू टू पॉइंट सोर्सेस इन स्पेस इज हाइपरबोलोइड सरफेस. हाइपरबोलोइड इज हाइपरबोलोइड सरफेस. ठीक है, अब स्क्रीन रखते हैं ना. तो चलो सबसे पहले बताओ, ऐसे कट कर दूं स्क्रीन को? सोचना और जवाब देना ना. कटोरी है ना, कटोरी को ऐसे कट कर रहे हो तुम. हाइपर बोला, समझ पा रहे हो? हाइपर बोला बनेगा इस तरह से रखोगे, मतलब तुम S1 S2 को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके पैरेलल तुम कोई भी स्क्रीन रखो, वो तो हर डायरेक्ट सिमेट्री तो दिखी रही है यहाँ पे, है ना. जैसे ये तुम्हारी कौन सी एक्सेस पे है भाई, एक्स एक्सेस बाई एक्सेस, तुमने एस वन एस टू बाई एक्सेस के अलोंग रखे हुए हैं, है ना. एक्स वन एक्स टू, एस वन एस टू तुमने बाई एक्सेस के अलोंग रखे हैं. तो बाई एक्सेस के पैरेलल अगर मैं कोई भी स्क्रीन रखूंगा तो इंटरफेरेंस पैटर्न कैसी दिखेगी मुझे? हाइपरबोला. ठीक, ये हो गया एक, ये वाला क्लियर है सबको? ठीक है ऐसा. हाँ तो घर पे जाके कटोरी लेना एक, सीरियसली आई मीन, अभी मेरे पास है नहीं, है किसी कटोरी वटोरी? अच्छा कटोरी की शेप का कुछ तो देख रहा हूँ. सोचना उसको ऐसे काट रहे हो तुम, है ना, काट तो पाओगे नहीं पर सोचना ऐसे काट रहे हो. अगर ऐसे काट दोगे कटोरी को तो फिर जो जो कटा हुआ वाला पार्ट तुम्हें जो दिखेगा वो हाइपरबोला की तरह दिखेगा, है ना. अगर एक स्फीयर को काट दोगे तो कैसा दिखेगा? सर्कुलर दिखेगा, है ना. अब ये ना काटने के लिए चीज़ें नहीं है यहाँ पे. ठीक बेटा, अब थोड़े ज़माने में कोई 3D सिमुलेटर वगैरह आ जाएंगे तो और अच्छा हो जाएगा, अभी तो नहीं है, अभी टेक्नोलॉजी और आगे बढ़नी है. योगेश बनाएगा कुछ? अरे तुम बनाने वाले थे ना यार, काम चालू कर दिया? तुम सुनी नहीं, तुम तो सुन भी, बनाना क्या है तुम्हें तो ये भी नहीं पता अभी. क्या बनाना है? हाफ राउंड तो बता दो, है ना, समझा दो, पर बनाना ही है ना 3D में. चलो तो अगर ऐसे स्क्रीन रखना है तो हाइपरबोला आ रहा है ना. अगर स्क्रीन को ऐसे रखेंगे तो क्या आएगा? सर्कुलर, है ना. अरे यार सिमेट्री बोल रही है, सर्कुलर आना है, कुछ और आ ही नहीं सकता, क्योंकि देखो स्क्रीन का हर एक पॉइंट इनसे सिमेट्रिक डिस्टेंस पे, तो सिमेट्री बोल रही है यहाँ पे कि भाई आना तो सर्कुलर ही है. और देखो ऊपर से तो कटोरी ऊपर से तो सर्कुलर ही होती है, वो तो क्लियर दिख रहा है. कटोरी को ऊपर से काटो तो सर्कुलर दिखती है सीधी सीधी, तो यहाँ पे रखोगे स्क्रीन को तो सर्कुलर फ्रिंजेस आएंगी. लिख लो, इफ ए स्क्रीन इज कैप्ट पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग एस वन एंड एस टू. एग्जाम्पल के लिए बताओ कौन कौन से प्लेन? वाई जेड एंड वाई एक्स, है ना. तो देखो फॉर एग्जाम्पल वाई जेड प्लेन एंड वाई एक्स प्लेन. मैं एग्जाम्पल के लिए दो लिखवा रहा हूँ, ऐसे हैं तो इन्फाइनाइट प्लेन्स, एग्जाम्पल के लिए है ये. फॉर एग्जाम्पल वाई जेड एंड वाई एक्स प्लेन. तो व्हेन ए स्क्रीन इज केप्ट पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग एस वन एंड एस टू, इंटरफेरेंस पैटर्न इज हाइपरबोला. इंटरफेरेंस पैटर्न इज हाइपरबोला. अगला, इफ ए स्क्रीन इज केप्ट, इफ ए स्क्रीन इज केप्ट परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग एस वन एंड एस टू. प्लेन बताओ कौन सा एग्जाम्पल के लिए? एग्जैक्ट प्लेन, है ना, एग्जैक्ट प्लेन. फॉर एग्जाम्पल एग्जैक्ट प्लेन परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग एस वन एंड एस टू, देन द इंटरफेरेंस पैटर्न इज सर्क्यूलर. देन द इंटरफेरेंस पैटर्न इज सर्क्यूलर. ठीक है, ये हो गया ना. अब इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं ना, पर जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सब तुम इससे आंसर कर दोगे जो ये लिखा है हमने, इसमें सारी चीज़ें कवर्ड है. देखो जो इमेजिन नहीं कर पा रहे ऑन द स्पॉट याद कर लो यार, चार ही तो सिचुएशन है, कहाँ पे कैसी स्क्रीन रखने पे क्या आएगा, यही है क्वेश्चन. दो सोर्स रख देंगे, बोल देंगे भाई इस प्लेन पे मैंने स्क्रीन रख दी, बताओ कैसी इंटरफेरेंस पैटर्न. क्वेश्चन की चिंता मत करो, कॉन्सेप्ट की चिंता करो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएंगे, कुछ भी पूछे वो, है ना, कुछ भी बना सकते हैं हम. मिटा दूँ? चलो फिर, ये हमारा वाई डी एस ही खत्म.